हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। 2014 कोलकाता जोन का 30 नवंबर का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जिसके कई क्वेश्चन हम पहले लेक्चर में कर चुके हैं। आज हम आगे का कंटिन्यू करेंगे। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं हमारा क्या। देखिए, सिंपल सी क्वेश्चन दिया था, पहले मैं लिख लेता हूँ आपके लिए। यहाँ आपको सिंपली बताना था कि 15 केजी का मूल्य क्या है। देखो, बहुत साधारण सा क्वेश्चन है ये। इसे किस तरीके से करोगे आप, ये रेशियो को मैं अनुपात में लिख लेता हूँ। यहाँ पर बात वही है, मैं अपॉन में लिख लेता हूँ। यहाँ से 36 उठ के आ जाता, मैं लिख लेता हूँ एक बार, अच्छे से समझ में आएगा। 36 अब इधर आ जाएगा आपका, कैंसिल करा आपने 3 से, तो x बराबर 45 रुपीस। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब हम प्रॉब्लम ऑफ एजेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इस पेपर में पूछे गए थे। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है इसका। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी माता की आयु की 2/5 है। 8 वर्ष बाद वह अपनी माता की आयु का आधा हो जाएगा, तो उसकी माता की वर्तमान आयु क्या है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर भी चुका हूँ एज के क्वेश्चंस। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन कैसे होगा। सबसे पहले मैं मेंशन करूँगा ईयर, क्योंकि वर्तमान कहाँ है हमारे लिए, 2018। 2018 में अगर देखा जाए तो 2/5 था, तो मतलब उसकी और उसकी माता की आयु में भी अगर आप रेशियो देखो तो कितना आ जाएगा, 2/5। कैसे आएगा देखते हैं। यहाँ पर अगर वो व्यक्ति है, ठीक है, हमने माना व्यक्ति है, ठीक है, सन है वो और मदर है, तो क्या हो गया उनका रेशियो 2/5। बोला गया था आपसे 2/5 है। अब इसके बाद यहां पर बोला गया 8 वर्ष बाद उसकी आयु, उसकी माता की आयु की, तो 8 वर्ष बाद जाओ 2026 में, ठीक है, 8 वर्ष बाद उसकी आयु, जो ये रेशियो है ये क्या हो जाता है, 1/2। सबसे पहले यहां पर मानो 2x और 5x, ठीक है। अब 8 वर्ष बाद जाना है, यहां से चले जाओ 2x + 8 5x + 8 बराबर कितना दिया है, 1/2। अब यहां पर कुछ मत करो, बस सॉल्व कर लो, 4x + 16 यहां पर क्या आएगा, 5x + 8। अब यहां ट्रांसफर किया, x बराबर कितना आ गया आपका, 8। अगर x बराबर 8 है तो उसकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 16 साल, और आपसे क्या पूछा था, माता की, तो माता की क्या हो जाएगी, 40 वर्ष। तो आई होप आपको जो पूछा गया था वो हमने यहाँ पर निकाल लिया और आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है प्रॉब्लम ऑन एजेस। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हमारा, जो इसी पे आधारित, मतलब वैसे तो हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं कई, लेकिन प्रॉब्लम ऑन एजेस का एक और क्वेश्चन है जिसमें आया था, हम डिस्कस करने वाले हैं। शक्ति व कांति की आयु का अनुपात क्रमशः 8:7 है, ठीक है। एक चीज याद रखना, जब भी ऐसा बोला जाए ना आयु का अनुपात और समथिंग, और वर्तमान मेंशन नहीं है, प्रेजेंट मेंशन है, तो इट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट, मतलब वो बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पर, वर्तमान की ही, ठीक है। 8:7 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:12 हो जाता है, उन दोनों की आयु का अंतर क्या है। तो कुछ मत करो, आपको यहाँ पर सिंपली क्या देखना है, प्रेजेंट में बात हो रही थी तो पहले उनका अनुपात क्या था भाई, शक्ति और कांति हैं, शक्ति और कांति की उस टाइम पे अनुपात जो बोला जाए तो वो कितना हो रहा था, 8:7, ठीक है। अब 10 वर्ष बाद उनका अनुपात क्या हो गया भाई, 13:12। तो ये देखो 10 वर्ष बाद जो बड़ा है, लेकिन अगर आप देखो उनके अनुपात में, यहां भी 5, लेकिन उनके जो रेशो में, सबसे बड़ी बात है उनके रेशो में जो फर्क था वो 1 है, यहां पर भी क्या है, 1 है, ठीक है। तो बड़ा कितना, 5x, कितना गया, अगर मैं इसे मानता हूं 8x। अब मैं यहां पर ऐसे क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इससे पिछले वाले क्वेश्चन में वो एप्लीकेबल नहीं हो सकता था, 2/5 था। अगर इससे पहले वाले क्वेश्चन में बोलूं 2/5 था और फिर हो रहा था 1/2, तो यहां से तो कम हुआ और यहां पर भी कितना, 3 कम हुआ और यहां 1, क्या सिमिलैरिटी है, नहीं। यहां पर क्या हुआ आपका अनुपात में, यहां भी 5 बढ़ा तो यहां भी 5, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो तो सेम है, ठीक है। तो अगर मैं 8x मानता हूं s की एज, डायरेक्ट मेथड बता रहा हूं, और फिर जो आपका शक्ति था, ठीक है, उसकी 8x मानी, तथा कांति जो है, कांति की आपने मानी 7x, ठीक है। तो अब ये 5 बड़ी है तो यहां पर कितनी हो गई, 5x ही बड़ी है, दोनों जगह से 5-5 समान बड़े, तो हम डायरेक्ट ले लेते हैं। तो वैसे कितना ईयर बड़ा, 5x, ठीक है, इनके बीच में डिफरेंस कितना हुआ, 5x।
ईयर कितने बड़े, 10, एक्स बराबर 2। तो वैसे अगर हम निकालना चाहें तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 16 वर्ष और ये 14, इनके बीच में डिफरेंस कितना हो गया, 2 वर्ष का। और अगर हम अपनी पुरानी मेथड भी फॉलो करना चाहें तो देखो ये बहुत सिंपल तरीके से हो जाता है, यहाँ दोनों जगह था तो हमने बोला 5x, 5x बराबर 10 तो x बराबर 2, पर यहाँ पर पुट करोगे तो ये 16 हो जाएगा और ये 14, इनके बीच में डिफरेंस कितना हो गया, 2 वर्ष का। और अगर आपको ये भी समझना है कि हम पिछली मेथड से कर सकते थे तो हाँ वैसा भी कर सकते हैं। 8x में कितना बड़ा, 5, सॉरी कितने वर्ष बढ़े, 10 वर्ष, देख रहे हैं रेशो नहीं, 10 कितने वर्ष बढ़े, 10। 7x में कितने साल बढ़ गए, 10, 2028 में 10 साल बढ़ जाएंगे इनके। तब रेशो कितना हो रहा है, 13:12। अब क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, 96x 120, 91x 130। तो यहाँ पर कितना हो गया, 5x बराबर 10। और ये चीज़ मैंने आपको यहीं बोल दी थी, 5x का डिफरेंस है और 10 साल बढ़े थे, तो रेशो का डिफरेंस बराबर ईयर का, तो x बराबर 2, यहाँ पर भी x बराबर क्या आ गया, 2। और यहाँ वैल्यू पुट करते तो 16 और 14 और डिफरेंस पूछा गया था उनके बीच में जो कि हो गया 2 वर्ष का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। देखिए फिर से जो हमने एक और क्वेश्चन पढ़ा हुआ था आपसे, बोला था उत्तरोत्तर छूट, मतलब आपको 10% की उत्तरोत्तर छूट की एकल छूट ज्ञात करें। अब ये देखिए एकल छूट मतलब होता क्या है, कंसेक्यूटिव डिस्काउंट है, उसको आपको क्या करना है, ओवरऑल डिस्काउंट बताना है कि कितना हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या बोला, 10% की 2 उत्तरोत्तर छूट पर, कितनी, 2, मतलब आपको क्या दिया गया है, 10% और 10%। देखिए इसका मतलब 20% नहीं होगा, पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किए हैं ऐसे क्वेश्चन। डायरेक्ट आप क्या करोगे, उत्तरोत्तर छूट की बात की गई है, कुछ मत करो, 100 पर मान लिया, 100 में पहले कितना दोगे, 10%, कितना बचा, 90, 90 पे भी कितना दे दो, 10%। भाई 100 पे नहीं मिलेगा, 100 पे एक बार, फिर बची हुई वैल्यू पे मिलेगा आपको, ठीक है। तो 90 पे 10% मिलेगा आपको, तो 90 का 10% कितना होगा, 9, माइनस कर दो यहां पर, तो कितना बचा आपका, 81। तो आपको एक्चुअली में जो 81 है ये तो क्या हो गया, जिसने बेचा उसके लिए SP और जिसने खरीदा उसके लिए CP, लेकिन जो MRP था, MRP जो टोटल छूट कितने की मिली, यहाँ 10 माइनस हुआ था, यहाँ 9 माइनस हुआ, 10 और 9 कितना हो गया, 19। तो आपको कितना मिला, 100 में से 19% डिस्काउंट। ये बिल्कुल शॉर्टेस्ट वे है, इसे समझने की कोशिश करिए। और अगर आपको माइनस करना भी सही नहीं लगता तो आखिरी में जो बचा है उसे 100 से माइनस कर दो, तब भी आ जाएगा आपका 19%। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। 5 नींबुओं का क्रय मूल्य 16 रुपये है, यदि एक नींबू को 25% लाभ पर बेचना हो तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, तो पहले हम देख ले क्या दिया है आपको, 5 नींबू, संख्या कितनी है, नंबर्स, ठीक है। और आपका प्राइस कितना दिया है टोटल, जो इनका है 16। सिंगल अगर आप देखो, अगर आप देखो पर लेमन क्वांटिटी, मतलब अगर आपकी नंबर था, ठीक है, 5 नींबू का, तो आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर 5 लेमन है आपके, एल मान लो उन्हें, इक्वल टू कितना प्राइस है, तो सिंगल लेमन का क्या हो जाएगा, 16/5। अब ये आप लिखे रहने दो, अभी इसे क्या लिखे रहने दो, लिखे रहने दो, क्योंकि इसी का आपको क्या निकालना है, 25%। अगर एक नींबू का क्रय मूल्य 16/5 रुपए है तो इसको 25% लाभ पर बेचना है। 25% लाभ पर बेचना है तो मैं यहां किसका गुणा करूंगा, 125 का, तो 125% ऑफ एल, तो यहां 16/5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 125, क्योंकि 25% लाभ है तो 100 से ऊपर हो जाएगा 25। अब ये परसेंट का साइन हटा दें यहाँ पर, तो किसका डिवाइड होगा, 100 का। अब 25 से ऊपर नीचे कैंसिल किया, कितना हुआ, 5/4, 5 से 5 कैंसिल, बचा कितना, 4 रुपये। तो पर लेमन का जो प्राइस होगा 25% लाभ पर बेचने पे, तो आपका वो कितना होगा, 4 रुपये। आई होप आपको भी ये क्लियर बिल्कुल हो गया होगा। इसको आप एक और तरीके से कर सकते हैं, अगर आप चाहें, टोटल कितना प्राइस है अभी, 16 रुपए। अब मैं 16 रुपए भी 25% निकाल दूं डायरेक्ट, अभी ये कितना है आपका CP। अब इसी का अगर मुझे SP निकालना है तो SP कितने पे करना है भाई, प्लस
25% पर है ना प्रॉफिट पे, तो भाई 25% और जोड़ दूं मैं 16 में 16 का ही 25% जोड़ दूं तो प्रॉफिट हो जाएगा, तो 16 आपका हुआ, उसमें कितना जोड़ना 25%, मतलब 1/4, 16 का 1/4 कितना होता है 4, 16 में 4 जोड़ दो कितना आ जाएगा यहाँ पर 20। अगर 5 नींबूओं का 25% पे प्राइस 20 रुपए है तो एक नींबू का कितना होगा 4 रुपए, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया, वो दोनों तरीकों से हम आसानी से कर सकते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मणिक की मासिक आय राखी की मासिक आय की 3/4 है, मतलब 3/4 है। यदि राखी की मासिक आय 38,000 रुपए है, कितना है 38,000 रुपए है, तो मणि की वार्षिक आय क्या होगी। ये चीज यहाँ पर ध्यान रखो कि मणि की वार्षिक आय पूछी गई है, क्या पूछी गई है वार्षिक आय, तो आप कुछ मत करो, पहले नंबर आप लिख लो मणि और राशि का रेशो कितना हो जाएगा, फिर भाई 3/4 है तो मतलब इनका रेशो भी डायरेक्ट क्या हो जाएगा 3/4। अब यहाँ पर रेशो तो आ गया इनका, अब इसके आगे आपको क्या बोला गया है, अभी यहां पर मैं क्या इमेजिन कर लूं, m बराबर 3x, ठीक है, r बराबर 4x रुपए। अगर मैं x निकाल लूं तो आसानी से निकल आएगा, हाँ, तो आप यहां पर कुछ मत करो, राखी की कितनी दी है आपको 4x बराबर 38,000। देखो 4 का डिवाइड करना होता है, मैंने कहा था 2/2 कर दो तो बहुत आसानी से जाएगा, 38 का आधा 19, 19 का आधा 9000, 38 का आधा 19, 19 का आधा 9.5 होता है, तो यहाँ पर अगर 38,000 है, 38,000 का आधा कितना होगा 19,000, 19,000 का आधा आपको करने में थोड़ी डिफिकल्टी अगर फेस हो रही तो 18,000 का आधा 9,000, और 1,000 बचा उसका आधा 500, तो 9,500। वैसे अगर आपको डिवाइड करना तो डिवाइड भी कर सकते हैं, 2/2 कर लो तो 4 का डिवाइड हो जाता है, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 9,500। अगर x 9,500 है तो ये क्या थी आपकी पर मंथ, किसकी राखी की, तो अभी आप किसकी निकाल रहे हो मणि की, लेकिन मणि की आपको किसके लिए निकालनी है पूरे साल भर के लिए, तो क्या करो पहले 3 × 9,500 करोगे, ये तो पर मंथ की आ रही है, अभी इसमें मल्टीप्लाई किसका कर दो 12 का, तो पूरे 12 महीने की निकल आएगी, हाँ निकल आएगी भाई, तो यहां पर कुछ भी नहीं करना पड़ा आपको, आसानी से निकल आएगा आपका, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहां पर 3,42,000 रुपए या 3.42 लाख रुपीस, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल। इसमें हम गलती कहां करते हैं वो समझनी, हम नहीं देखते ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में आप डायरेक्ट लगा देते सिर्फ क्या 3 × 9,500, आप बोलते 28,500, वो तो पर मंथ है, इतना आसान क्वेश्चन ही, आपसे पूछा क्या गया है साल भर के लिए क्या है, तो आपको ध्यान देना है कि 12 का मल्टीप्लाई भी जरूरी था ईयरली के लिए, ठीक है। आप देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं आपका चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज से रिलेटेड कई बार डिस्कस कर चुके थे, एक और क्वेश्चन आज देख लेते हैं। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर 40 रुपए है तो उसका मूलधन क्या होगा। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, 40 रुपए है ना, 40 रुपए से आप आसानी से निकाल सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके बेसिक कितने क्लियर हैं। सबसे पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने मेरे SICI के लेक्चर्स को आप देख लो अच्छे से तो आपको और क्लियर हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर भी मेंशन कर रहा हूँ, 2 वर्षों का मतलब एक और दो, तो यहाँ पर मूलधन पे CI में क्या होता है, सिर्फ मूलधन पे मिलता है, 5% मिला, यहाँ भी क्या मिला 5% और इनका टोटल हो गया। CI में क्या होता है आपका, यहाँ मूलधन पे मिला, यहाँ मूलधन पे मिला, मतलब ये दोनों, तो देखो आप SI आपको मूलधन में तो मिलता ही है, CI में तो मिलता ही है, अगर आप देखो एक और दो मूलधन पे जो ब्याज मिला एक और दो वर्ष के लिए वो आपको यहाँ पर मिला, मैंने माना I1 और I1, तो यहाँ पर भी आपको I1 और I1 तो मिल रहा है, लेकिन इस I1 पे एक एक्स्ट्रा मिल जाता है, क्या होता है वो I2, तो आप क्या करोगे, आपको समझने की जरूरत यहां पर क्या है, 5% की बात की गई है तो ये और ये तो कॉमन हो गया, ये तो जब माइनस करोगे बीच में डिफरेंस में कैंसिल हो जाएंगे आपस में, बचेगा क्या, ब्याज पे जो ब्याज मिलता है वो बचेगा। चलो अब देख लेते हैं क्या होना है, कुछ मत करो, CI मूलधन,
जो मैंने मेंशन करने को बोला है बस वही मेंशन करना, आई वन, ठीक है, आई वन प्लस आई टू। आपको क्या दिया है 40 रुपए ये आई टू, और ये किस पे 5% है, आई वन का। अगर I1 का 5% आपको पता है कितना है, 40 है, तो आप कुछ मत करो, 5% को फ्रैक्शन के तौर पे कितना लिखते हैं, 1/20। और अगर 1/20 40 है किसी चीज का, तो वापस 20 का गुणा करो तो उसका आ जाती है ओरिजिनल वैल्यू, 20 का गुणा कर दो 40 में, 400, 400 का डबल 800, तो आपका जो इंटरेस्ट था पहले साल वो कितना हो जाएगा 800। अब इस प्रिंसिपल से आपको यहां पर जो इंटरेस्ट मिला था वो भी कितना था 5% या 1/20। अगर प्रिंसिपल का मूलधन का 1/20 कितना है 800, तो इसमें भी आप 20 का गुणा कर दोगे तो आपका क्या निकल आएगा, मूलधन निकल आएगा। तो 800 का आप 10 में गुणा करो 8000, 8000 का दुगना 16000, तो आपका प्रिंसिपल कितना हुआ यहाँ पर 16000 रुपए। आई होप आपको जो ये छोटी सी ट्रिक मैंने बताने की कोशिश करी है वो बिल्कुल आपको क्लियर हो गए होगी। आई होप आपको जो आज की क्लास थी वो समझ में आ गई होगी, और अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the video.